नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। ये इनब्रीडिंग क्या है, इससे किसान भाइयों का कौन कौन से प्रॉब्लम होता है और इससे निपटने का तरीका क्या है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरा वीडियो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, तभी जाके आप लोगों को सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो आमतौर पे जो किसान रहते हैं, जो फिश फार्मिंग करते हैं अपना फिश पॉन्ड में, उनके उनको ये बात पता नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है ही नहीं। लेकिन इससे उन लोगों को काफ़ी नुकसान भी होता है। और ये जो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खड़ी होती है हेचरी वालों से। तो उनका गलती के कारण इसका सज़ा जो भुगतना पड़ता है आम किसानों को, जो फिश पॉन्ड में ही फार्मिंग करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता नहीं होता है। और मैं जानता हूँ मैक्सिमम हेचरी वालों को भी इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आप एक किसान हैं और आपके पास ये प्रॉब्लम काफ़ी आया होगा। आप देखे होंगे आपका फिश पॉन्ड में मछलियाँ आप छोड़ने के बाद जब भी अच्छे से खाना देते हैं, मछली का अच्छे से टेक केयर करते हैं, तब भी मछली में ग्रो नहीं होता है। तो उस दौरान आप लोग डिसाइड करते हैं जो सीड मैंने लाया वो ख़राब क्वालिटी का है। तो ये ख़राब क्वालिटी कई तरह से बनता है, हम लोग जानते हैं, जैसे कि ब्रूडर छोटा होना, इनमेच्योर्ड मछली से अंडा निकाल लेना, और इस तरह का प्रॉब्लम के कारण अपना जो सीड है उसका ग्रो नहीं हो पाता है। तो इस सब के ऊपर जो चीज़ है वो है इनब्रीडिंग। दोस्तों, हैचरी में जब इनब्रीडिंग कराया जाता है उस दौरान भी मछली में ग्रोथ नहीं होता है। तो ये इनब्रीडिंग काफ़ी असर करता है फिश फार्मर के ऊपर, उनका फिश पॉन्ड में इसका सीधा असर पड़ता है, जिसका रिजल्ट वो लोग भुगतते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हैचरी वालों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी सुने इनब्रीडिंग क्या है, और जो फार्मर है आपको भी इसके बारे में जानकारी होगा, तो आप आगे कभी भी आपका फिश फार्मिंग में इस चीज़ को काम लगा सकते हैं। तो गाइस, इनब्रीडिंग का मतलब होता है अंत प्रजनन, यानी एक ही जीन के साथ अगर रिप्रोडक्शन किया जाए तो प्रजनन किया जाता है, यानी ब्रीडिंग कराया जाता है। तो उसके थ्रू ही जो बच्चा निकलता है उसको हम लोग अंत प्रजनन वाली बच्चे के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पक्षी, किसी तरह का पक्षी आप लोगों को देखे होंगे, उसका कलर, उसका साइज, उसका रंग रूप सब सेम टू सेम ही रहता है, उसका बच्चा फिर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो सेम परिवार में होता है। यानी पक्षी अंडा दिया, उसमें से जो बच्चा निकला तो जुड़वा बच्चा हो गया, तो वो बच्चा जो है, ये बच्चा एक साथ बड़ी होती है और इसका जो जोर बनता है आगे जाके, इसका जो जोर बनता है वो इसी दो अंडे से निकला हुआ बच्चे से ही बनता है। यानी रिश्ता का हिसाब करूँगा तो इसका भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो उस दौरान इसका जो जीन जो है वो सेम टू सेम हो गया, उसका माता पिता का जो जीन है वो सेम टू सेम था। इस दौरान इस बच्चे पक्षी जो ब्रीडिंग करेगी, उससे जो अंडा निकलेगा, उससे फिर जो बच्चा होगा वो उसका भी जीन सेम टू सेम रहेगा। यानी इस टेक्निक को या इस प्रक्रिया को ही इनब्रीडिंग प्रक्रिया माना जाता है। इससे क्या होता है, इस पक्षी का आकार, कलर, रंग कुछ नहीं चेंज होता है, इसमें ग्रोथ भी नहीं होता है, सेम जिस ग्रोथ से आप कई सालों से देखते आ रहे हैं उसी ग्रोथ के साथ ही ये आगे बढ़ रही है। तो दोस्त, इनब्रीडिंग यही है, और मछली के साथ भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है। ये इनब्रीडिंग होने के कारण ग्रोथ नहीं होता है। कभी भी आप अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ छोड़े होंगे तो उसमें सब कुछ करने के बाद भी ग्रो नहीं होता है, तो इसका ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है ये मछली का इनब्रीडिंग। तो इस तरह का इनब्रीडिंग जिस तरह का हैचरी में किया जाता है, उस हैचरी का सीड जो है वो ख़राब होता है और उसका ग्रोथ भी नहीं होता है। दोस्तों, बहुत सारे हैचरी ऐसा है जिसको इस बारे में पता ही नहीं है, और इसका रोकने का तो तरीका उन्हें पता ही नहीं होगा। तो गाइस, मछली के साथ इनब्रीडिंग कैसे होता है तो वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं मछली को इंजेक्शन कर रहा हूँ, इसमें से जो अंडा निकलेगा उस अंडे से मैं बच्चा बनाऊँगा, फिर बच्चे को मार्केट में सेल कर दूँगा, दूसरा किसान भाई ले जाएंगे और वो अपना फिश पॉन्ड में इसको कल्चर वगैरह करेंगे। लेकिन इसी फिश का जो बच्चा होगा उसको अगर हम लोग ब्रूडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसी मछली का ब्रूडर्स को बच्चे को अगर मैं रख दूँ अपना फिश पॉन्ड में किसी तरह से, तो वो मछली अगले साल जाके लगभग बड़ी हो जाएगी, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराना वाला मछली है मेरे पास रह जाएगा, और इसके संपर्क में ये उसी का परिवार का जो जीन है वो आके ब्रीडिंग करेगी, तो उस दौरान जो बच्चा होगा उसका क्वालिटी बहुत ही डाउन होगा।
और ये डाउन क्वालिटी का जो बच्चा होगा उसी को इन ब्रीडिंग का बच्चा माना जाएगा। तो इस तरह से मछली के साथ इन ब्रीडिंग होता है। तो अभी सवाल आता है इन ब्रीडिंग जो रोकने के लिए क्या करूं, मैं दूसरा मछली के साथ इसको क्रॉस करूं? तो दोस्तों ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वो अनलीगल होता है, मछली का सब कुछ चेंज हो जाता है, तो क्रॉस नहीं करना है। इसका इन ब्रीडिंग तोड़ने का दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरा परिवार के साथ संपर्क जोड़ें। जैसे कि इंसान के साथ ऐसा होता है, हम अपना परिवार के साथ कभी संपर्क नहीं जोड़ते हैं, अपना जीन के साथ कभी मिलाव नहीं होता है, तो शादी वगैरह करते हैं तो भी दूसरे बहुत दूर से दूसरा परिवार से शादी वगैरह रिश्ता तय हो जाता है। तो इंसान इस चीज़ को जानता है लेकिन मछली के साथ इस चीज़ को करना नहीं जानता है, जिस कारण इनब्रीडिंग हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है, आपको नया एक तकनीक यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको मछली ख़रीदना है दूसरा जीन का मछली, जैसे कि आप जानते हैं आपका जो स्पॉन है इसको सेल कर दिया जिस किसान भाई के पास, वो उसके पास मछलियाँ बड़ी हो चुकी है, आपको तो पता होगा मेरा ही मछली है, मेरा जीन का मछली है, मेरा हैचरी का मछली है, तो उसके पास जो बड़ा साइज़ का मछली है वो नहीं ख़रीदना है, आपको नया दूसरा किसी किसान से ख़रीद लेना है जहाँ पर अच्छा क्वालिटी वाला मछली आप लोगों को मिलेगा। तो उस दौरान आपको उस मछली को ख़रीद लेना है, इससे नया जीन आएगा और ये आपका पुराना जीन, दोनों में अगर मिलाव होता है तो उसमें नया रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका स्पॉन जो तैयार होगा उसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होगा और धीरे धीरे उसका ग्रोथ रेट और आगे की तरफ जाता रहेगा। तो इस तरह से इन ब्रीडिंग को रोका जा सकता है। और ऐसे भी 3 से 4 साल बाद ये मछली को चेंज कर देना चाहिए, इसका उम्र भी हो जाता है और इसका जीन लगभग ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर मछली को चेंज नहीं किया जाता है तो उस दौरान इसका ग्रोथ रेट डाउन हो सकता है। मैं हर साल इस चीज़ को चेंज करता रहता हूँ, नया कुछ मछलियाँ ख़रीदता रहता हूँ और इसको अपना फिश पॉन्ड में रख देता हूँ, फिर मेरा मछली और नया ख़रीदा हुआ मछली आगे जाके नया जीन को तैयार करता है जिससे अच्छा क्वालिटी का फिश सीड तैयार होता है। तो इस दौरान अगर मैं इस सीड को सेल करता हूँ और वो सीड जाके किसान भाइयों के पास काफ़ी ग्रो करती है, तो वहाँ पे किसान ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरह से मेरा हैचरी भी काफ़ी चलता है। और इस तकनीक जो है इस मैक्सिमम लोगों के पास पता नहीं होता है, जिस कारण वो ये जाने अनजाने में ही नुकसान कर देते हैं अपना भी और दूसरा किसान को भी। अपना नुकसान इस तरह से करते हैं, वो इन ब्रीडिंग का मछली बेच लेते हैं, इसी से बच्चा होता है, इसी को अपना फिश पॉन्ड में छोड़ते हैं, भरा करते हैं, फिर इन ब्रीडिंग करते हैं, इस दौरान करते करते इनका जीन जो है ख़राब हो जाता है और आगे जाके जो स्पॉन तैयार करते हैं फिर उसका क्वालिटी किसान भाई के पास जाके ख़राब हो जाता है, जिस दौरान किसान भाई दूसरा बार इस तरीके से मछली लेना नहीं चाहते। तो इस दौरान आप अपना भी क्षति पहुँचाते हैं और किसानों का भी क्षति पहुँचाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं हमेशा इसको चेंज करता रहता हूं, तो दोस्तों कॉमन कप का भी सेम प्रोसेस करता हूं और दूसरा आईएमसी के साथ भी इस तरह का प्रोसेस करता हूं। वहां पे 3 किलो 2 किलो 2.5 किलो का मछली ख़रीदता हूं, फिर 1-2 साल रखने के बाद उसको ब्रीडिंग कराता हूं। तो कॉमन कप का अभी यहाँ पे 4-5 क्विंटल मछली ख़रीदा गया है और इसको अगले साल के लिए रखूँगा, तो इस तरह से मेरा नया जीन भी तैयार होगा और ये मछली में ग्रो भी काफ़ी हो जाएगी, न्यू मछली होने के कारण इसमें इसका जीन भी न्यू रहेगा, तो इसमें उससे अगर बच्चा निकलता है तो उसका बच्चा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और अगले साल आते आते मेरे हिसाब से ये मछलियाँ लगभग 2.5 से 3 किलो साइज़ का हो जाएगी, तो इससे बच्चा बनाने से किसान भाई को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस सीक्रेट जो तकनीक है इस चीज़ को बताना नहीं चाहिए, कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं बता दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको फ़ायदा हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो मैं मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं लेके कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, तो आप लोगों का काम आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों हो सके बहुत सारे हैचरी का पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही हो लेकिन वो इस चीज़ को करना नहीं चाहते क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा होता है, हर साल ब्रूडर चेंज करना लाखों का खर्चा आता है जो वो लोग करना नहीं चाहते। इस दौरान वो खुद ही अपना मछली से बच्चा बना के उसको स्टॉकिंग करते हैं, उसको बड़ा करके इन ब्रीडिंग का बच्चा सेल करते हैं जिससे उनका खर्चा जो है वो बच जाता है, लेकिन वो क्वालिटी का सोच वोच नहीं रखते हैं। और हो सके बहुत सारे लोगों के पास ये
जानकारी था ही नहीं। इस वीडियो द्वारा मैंने जो जानकारी दिया, शायद ये सुनने के बाद आप इसको अप्लाई करें अपना HD में, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आपका HD भी चलेगा और इंडिया में जो बिजनेस है फिश फार्मिंग वो भी आगे जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इनब्रीडिंग का कुछ प्रॉब्लम और उसका सलूशन जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह का और इन्फॉर्मेशन और जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।